Hello students, this is Anu Chhabra. Welcome back to my classes. In this video, we will talk about the matter in our surrounding, class 9th science, the first chapter. Now let's start ki hum is chapter mein kya kya padhne wale hain. Sabse pehle hum is chapter mein matter ki definition ke bare mein baat karenge. Then unki properties ko hum teen activities se samjhenge. First property is the particles of matter are very tiny. Second property, the particles of matter have space between them. And the third property, the particles of matter are continuously moving. उसके बाद तीन matter की states के बारे में बात करेंगे, solid state, liquid state and gaseous state. इन states आपस में कैसे change होती हैं? Then हम melting point और उसकी activity, boiling point और उसकी activity और sublimation के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम इवोपरेशन और इवोपरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट शो करता है उसके बारे में बात करेंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैटर. एवरीथिंग और एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर. हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए बहुत सी पिक्चर्स है, आइसक्रीम, वाटर वेपर, आइस, ठीक है, वाटर, अगेन वेपर, गैसेस, ब्रेड एंड विंड, ऑल आर द मैटर. तो मैटर क्या है? जिसमें अपना खुद का वेट होता है एंड जिसमें जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो दोनों मैटर हैं. लेकिन जैसे कुछ फीलिंग्स होती हैं हमारी, जॉय हो गया, एंगर हो गया, तो ये सब मैटर नहीं है. ये सब मैटर क्यों नहीं है? बिकॉज ना तो इनका खुद का वेट होता है ना ही इनका कोई वॉल्यूम होता है. तो मैटर क्या है? जिनका खुद का अपना मास होता है और जो खुद कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो सब मैटर हैं. मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. और देखिए ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने टाइनी होते हैं कि हम अपने अपनी नेकेड आई से उन्हें देख नहीं सकते हैं. इन पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस है. इन वैकेंट स्पेस को हमने नाम दिया है इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस. देखिए अगर मैं बात करूं तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत पास पास होते हैं. लिक्विड में बात करूं तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं और गैस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं. तो देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है और गैस में सबसे ज़्यादा है. जब पार्टिकल्स के बीच एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं तो उनमें फोर्स जो होता है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होगा. इट मीन्स सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है. पार्टिकल्स जो हैं हमेशा मोशन में रहते हैं, मूव करती रहते हैं, और मोशन की जो एनर्जी होती है वो है काइनेटिक एनर्जी, और ये एनर्जी जो है टेम्परेचर के साथ ही इंक्रीज होती रहती है. इन सारी जो मैटर की हमने एक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, अब हम उनको एक्टिविटी से समझते हैं. तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही टाइनी होते हैं, हम उन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. तो इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं. हमने 100 ml प्योर वाटर लिया, एकदम क्लीन वाटर लिया, और उसमें 2-3 क्रिस्टल्स हमने पोटेशियम परमैंगनेट के ऐड कर दिए. पोटेशियम परमैंगनेट जो है स्टूडेंट्स वो पिंक कलर का होता है, तो पूरा जो वाटर है वो पिंक कलर का हो जाएगा. अब हमने क्या किया कि 10 ml जो है पिंक कलर का वाटर उसमें से ले लिया और उस 10 ml को हमने क्लीन 100 ml वाटर में ऐड कर दिया. तो हमने देखा कि जो वाटर है अगेन पिंक कलर का हो गया, लेकिन थोड़ा लाइट पिंक हो गया है. अगेन हमने उसमें से 10 ml जो है पिंक कलर का जो सॉल्यूशन था वो टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उसके बाद हमने उसको अगेन 100 ml क्लीन उसमें वाटर में रख दिया. ठीक है, अगेन हम देखते हैं कि जो हमारा वाटर है वो पिंक कलर का हो गया. तो ये जो एक्टिविटी है अराउंड हम 5 to 6 टाइम हम रिपीट करते हैं. जब हम रिपीट करते तो हम देखते हैं कि हर बार जो पिंक कलर है वो वाटर का हो जाता है, लेकिन वो कैसा होता जाता है, फेड अवे हो जाता है, बट पिंक कलर होता है स्टिल. तो इसका मतलब क्या है? आप बार 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 ओनली 10 ml जो है वाटर ले रहे हैं पिंक कलर का और फिर भी 100 ml को वो पिंक कलर कर देता है. तो इसका रीज़न है कि जो मैटर है
वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स है और एक सिंगल क्रिस्टल जो है मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स का बना होता है जो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम समझते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसको हम एक बहुत ही सिंपल और डेली लाइफ की एक्टिविटी से समझते हैं। हम जब एक बीकर लेते हैं और उसमें वाटर ऐड करते हैं, हमने उसका लेवल नोट कर लेते हैं। जब हम उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जब हम उसको उसका लेवल देखते हैं तो लेवल जो है वो बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं होता। जबकि जब भी हम किसी चीज़ में कुछ ऐड करते हैं तो लेवल इंक्रीज़ हो जाना चाहिए, लेवल इंक्रीज़ नहीं होता। तो इसका रीज़न क्या है कि जो वाटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, और जब आपने उसमें शुगर डाली तो वो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर आके फिट हो गए। देखिए, रेड वाले डॉट वाटर के पार्टिकल्स को डिनोट कर रहे हैं और ब्लू वाले शुगर या सॉल्ट के डिनोट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो उसमें फिट हो गए और वो उसमें फिक्स हो गए, तो उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूअसली मूव करते रहते हैं। हमने पढ़ा था जब भी मूवमेंट होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी एक एक्टिविटी करते हैं, हमने एक अगेन बीकर लिया, बीकर में वाटर लिया और उसमें हमने इंक कुछ ब्लू कलर की इंक डिजॉल्व कर दी। आप देखते हैं कि ब्लू कलर की इंक डालते ही पूरा जो वाटर है वो ब्लू हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि जो वाटर है उसमें इंक पूरी तरह से डिजॉल्व हो गई है, उसमें डिफ्यूज़ हो गई है। तो डिफ्यूज़न मींस क्या है, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूज़न मींस इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो इंक जो है वो पूरे वाटर में डिफ्यूज हो गई है, दैट्स वाई जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। देखिए, अब हम बात करते हैं मैटर की तीन स्टेट्स के बारे में। तो मैटर की जो स्टेट्स होती है, थ्री स्टेट्स हम जानते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तीनों स्टेट्स में हम बात करते हैं तो वाटर की भी तीन स्टेट है। वाटर की सॉलिड है आइस, लिक्विड इटसेल्फ वाटर है और गैसियस है वाटर की वेपर। इन तीनों के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड क्या है, देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स अगर हम देखें यहाँ पे तो पार्टिकल्स एकदम क्लोज हैं, उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही लीस्ट है। तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो इतना मिनिमम है, इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। देखिए, पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है इसके कारण वो मूव नहीं कर पाते, तो इसलिए जो मूवमेंट है वो मिनिमम है। ये जो पार्टिकल्स हैं, जब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है तो उनके बीच में जो कंप्रेसिबिलिटी आएगी वो बहुत ही कम आएगी, और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या है, सबसे कम है। अब देखिए, आप पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, इनका डेफिनेट शेप है और डेफिनेटली वॉल्यूम है। तो प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड की, डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। उनके बीच में जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, मूवमेंट मिनिमम है, लीस्ट कंप्रेसिबल है और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेबल है, तो टेबल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, इसको बताइए। तो देखिए, टेबल जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्यों है, बिकॉज उसकी डेफिनेट शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है, लीस्ट कंप्रेसिबल है, उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट मिनिमम है। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण जो सॉलिड है, टेबल जो सॉलिड है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड की जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती, इसका रीज़न देखिए, आपने 2 लीटर वाटर लिया और दो अलग अलग शेप के जो वेसल्स हैं आप उसमें डालेंगे, जिस भी शेप के वेसल में आप उसको डालते हैं वाटर का कलर भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। इट मीन्स उसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम फिक्स है। जिस भी कंटेनर में आप डालते हैं उसी की तरह की वो शेप ले लेता है। आप यहाँ देख रहे हैं पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के क्लोज हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज हैं, इट मीन्स उनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो स्पेस है वो क्या है,
कम है लेकिन सॉलिड के कंपेयर में देखें तो ज़्यादा है। जब पार्टिकल्स क्लोज हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा लेकिन सॉलिड के कंपेयर में ये लीस्ट होगा। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा बिकॉज इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा कम है तो मूवमेंट उनसे थोड़ा ज़्यादा होगा। लेस कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन लिक्विड जो है बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ करते हैं, सॉलिड के कंपेयर में डिफ्यूज़ करते हैं और गैस के कंपेयर में ये कम डिफ्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। गैस की प्रॉपर्टी के बारे में जब पढ़े, देखिए आप यहाँ पार्टिकल्स आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। इसके मीन मैक्सिमम डिस्टेंस है, जब मैक्सिमम डिस्टेंस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें मिनिमम होगा। मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं और इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस की आपको पता है शेप भी फिक्स नहीं होती और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। जिस भी तरह के और जिस भी साइज़ के कंटेनर में आप डालते हैं गैस को, वो इसमें फिक्स हो जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो गैस है वो स्मॉल सिलेंडर में भी इजीली फिट हो जाती है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हाई कंप्रेसिबिलिटी और फास्ट डिफ्यूजन। ये दो रीज़न हैं जिसके कारण गैस को आप किसी भी तरह के सिलेंडर में फिट कर सकते हैं। इसके अलावा गैस जो है वो जिस भी सिलेंडर में आप रखते हैं उसकी कंटेनर की वॉल पे प्रेशर अप्लाई करती है। तो प्रेशर क्यों अप्लाई करती है? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये दो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आइस जो है वो वाटर में फ्लोट करता है, जबकि आइस आपको पता है सॉलिड होता है और सॉलिड तो वाटर से ज़्यादा डेंसर होना चाहिए, लेकिन इसका रीज़न क्या है कि आइस वाटर में फ्लोट करता है? इसका रीज़न ये है कि आइस जो है उसकी स्ट्रक्चर होलो होती है, उसकी स्ट्रक्चर में वैकेंट स्पेस होता है, जिसके कारण उसका स्ट्रक्चर होलो है तो सॉलिड होते हुए भी वो वाटर से लाइट है और वो फ्लोट करता है। अब हम स्टेट्स में इंटरचेंज पढ़ेंगे कैसे होता है। सॉलिड को अगर आप हीट करते हो तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हो तो गैस बनता है। इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं तो गैस को अगर हम कूल करते हैं तो लिक्विड बनता है और लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड। ऐसा क्यों? देखिए स्टेट जो है टू टाइप से आप चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करके और प्रेशर में चेंज करके। तो हम सबसे पहले टेम्परेचर में चेंज करके बात कर रहे हैं। आइस के पार्टिकल्स पास पास हैं, जब आपने हीट किया तो पार्टिकल्स जो हैं वो दूर एक दूसरे से दूर हो गए हैं, तो कौन सी स्टेट आ गई है? वाटर। और ज़्यादा आप हीट करेंगे तो और ज़्यादा दूर चले जाएंगे, तब कौन सी स्टेट आ जाएगी? स्टीम आ जाएगी। और इसी के कंपेयर वापस रिवर्ट बैक करेंगे तो ठंडा करने पर वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट की। देखिए मेल्टिंग क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एक्टिविटी से। हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर, एक ग्लास के अंदर आइस के पार्टिकल्स रख ली, कुछ आइस के क्यूब्स रख ली और एक थर्मामीटर रख लिया, ठीक है। थर्मामीटर रख लिया, अब हमने क्या किया कि इसको हीट किया। जब हमने इसको हीट किया तो आप देखते हैं कि थर्मामीटर का टेम्परेचर पहले तो बढ़ता है, लेकिन जब आप जैसे जैसे हीट करते रहते हैं तो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना बंद हो जाता है। तो इसका जो ग्राफ है वो आपसे ऐसे पूछा जाता है, पहले तो टेम्परेचर बढ़ता है और उसके बाद में बंद हो जाता है, तो इसका जो रीज़न है वो आपसे पूछा जाता है। तो इसका रीज़न समझिए, देखिए जब आप उसको हीट करते हैं तो आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास हैं, जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो ये वाइब्रेट होने लग जाएंगे और पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे। तो ये जो हीट है वो क्या काम में आ रही है? पार्टिकल्स को दूर दूर करने के काम में आ रही है। तो ऐसी हीट जो पार्टिकल्स को दूर दूर करने के काम में आ रही है, हिडन है, ठीक है, जो आपको दिख नहीं रही, तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट मीन्स होता है हिडन। तो वापस देखिए, वो टेम्परेचर जिस पे आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आइस का? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर की दो स्टेट प्रेजेंट होती है, आइस भी प्रेजेंट होता है और वाटर भी प्रेजेंट होता है। और जीरो से अगर हम अबव की बात करें तो जीरो से अबव ओनली वाटर प्रेजेंट है, और जीरो से बिलो के बारे में बात करें तो ओनली
आइस प्रेजेंट है. तो व्हाट इज द मेल्टिंग, देखिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम फ्यूजन कहते हैं, आइस से वाटर. तो व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगेन टू मूव मोर फ्रीली, और इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग. एंड द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. और देखिए ऐसी हीट जिसके कारण पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं लेकिन थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 degree Celsius पे आइस और 0 degree Celsius पे वाटर, दोनों में से कौन ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट शो करता है. तो इसका रीज़न देखिए, आइस ज़्यादा करता है बिकॉज वाटर को आप और कूल डाउन करते हैं तो आइस बनता है. तो मोर लेटेंट हीट किस में है, आइस में है, दैट्स वाई आइस का चिलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है. इसी तरह हम बॉइलिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि बॉइलिंग क्या है. देखिए बॉइलिंग के लिए इसकी भी हम एक एक्टिविटी से समझते हैं. आपने क्या किया, एक बीकर लिया और बीकर में वाटर ऐड किया. जब वाटर ऐड करते हैं बीकर में और थर्मामीटर लगाते हैं और उसको हीट करते हैं हम, ठीक है. थर्मामीटर लगा के जब हम हीट करते हैं तो अगेन वही होता है, पहले तो टेम्परेचर बढ़ता है एंड देन बढ़ना बंद हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है, बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास हैं. जब आप उसे हीट करते हो तो ये पार्टिकल जो हैं वाइब्रेट होकर दूर दूर जाते हैं और जिसके कारण जो है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता. तो जो हीट क्या काम आई, वो हीट जो है पार्टिकल्स को दूर दूर करने के काम में आ गई. अगेन लेटेंट हीट मींस हिडन हीट. तो बॉइलिंग मींस व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड पार्टिकल्स बिगेन टू मूव इवन फास्टर देन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग. तो बॉइलिंग में जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू द गैस. एंड द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इट इज़ द 100 degree Celsius और 373 Kelvin. अगेन देखिए 100 degree Celsius पे वाटर की दो स्टेट प्रेजेंट है, वाटर और वेपर. 100 से अबव ओनली वेपर प्रेजेंट है और 0 से 100 के बीच में ओनली वाटर प्रेजेंट है, ये आपसे पूछा जाता है. एंड व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू द गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 degree Celsius पे बॉइल्ड वाटर और वेपर, इन दोनों में से कौन ज़्यादा पेन कॉज करता है. तो इसका रीज़न क्या है, वेपर, क्योंकि बॉइल्ड वाटर में और हीट देते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होता है. तो वेपर कंटेन मोर लेटेंट हीट, दैट्स वाई इसका पेन ज़्यादा होगा. नाउ वी विल डिस्कस सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम डायरेक्टली सॉलिड टू गैस. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, कैम्फर देखते हैं. कैम्फर मीन्स कपूर. तो जब हम उसको जलाते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, तो बिना लिक्विड के. तो ये जो नेचर है इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. या एक एक्टिविटी से देखते हैं, हमने एक चाइना डिश लिया और उसमें अमोनियम क्लोराइड लिया. हमने उसमें क्या किया, उसको हीट किया, उसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल डाल दी और उसकी माउथ को कॉटन के प्लग से क्लोज कर दिया. जब हम उसे हीट करते हैं तो उसकी जो वेपर है वो आपकी वॉल पे, इसकी वॉल के ऊपर आपको दिखाई दे रही है. और जब हम इसको कूल करते हैं तो अगेन ये वेपर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है. तो सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड दोनों ही सब्लिमेशन है. देखिए हमने स्टेट्स में जो चेंज पढ़ा था, तो सॉलिड से लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन, लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, एंड गैस से सॉलिड इज सब्लिमेशन. और इसका रिवर्ट हम करते हैं तो देखिए सॉलिड से गैस इज ऑल्सो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड इज कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड, एंड लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन. ये इंटर कन्वर्जन है मैटर की स्टेट्स का. देखिए हमने जब स्टेट्स में चेंज पढ़ा था तो हमने दो तरह से पढ़ा था कि एक तो होता है टेम्परेचर से,
एंड द सेकेंड इज बाय द प्रेशर. टेम्परेचर से हम पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस विद हाउ प्रेशर चेंज द मैटर स्टेट. देखिए यहाँ पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के से फार हैं. पार्टिकल्स इतने दूर हैं तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है. इट मीन्स ये कौन सी स्टेट है? गैस. जब आप ये सिलेंडर है उसके ऊपर ये पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं एंड इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट. और अगेन और प्रेशर देते हैं तो कन्वर्ट इनटू द सॉलिड स्टेट. क्लियर है? तो प्रेशर अप्लाई करने पर पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं. आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किसी भी गैस को कैसे लिक्विड कर सकते हैं. तो गैस को लिक्विड करने का क्या दो मेथड है? एक तो आप क्या करें, प्रेशर को इंक्रीज कर दें, या सेकंड मेथड है टेम्परेचर को कम कर दें. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं. बिकॉज ये सॉलिड जो गैस जो CO2 है, थोड़ा सा प्रेशर अगर हम करें तो ये डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है. मतलब सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में. इसलिए सॉलिड CO2 को हमने ड्राई आइस बोला है. ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. नाउ द लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मीन्स क्या होता है? इवेपोरेशन मीन्स होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना. आप ये बोलेंगे कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना इज बॉइलिंग, बट बॉइलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द इवेपोरेशन. क्या डिफरेंस है हम बात करते हैं. देखिए इवेपोरेशन जो है अपने आप होने वाली प्रोसेस है और बॉइलिंग में आप लिक्विड को गर्म करते हैं. ठीक है, इवेपोरेशन ओनली सरफेस पर होता है जबकि बॉइलिंग होल वाटर में होता है. तो ये दो डिफरेंस है. तो द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इट इज द सरफेस फिनोमिना. क्लियर है? पार्टिकल्स, अब देखिए यहाँ कैसे ये ऐसा होता है. आप देखिए ये मान लीजिए कोई सरफेस है और ये आपकी लिक्विड है. तो ये जो लिक्विड है ये क्या करती है, सरफेस से एनर्जी ले लेगी. सरफेस क्योंकि लिक्विड को किस में कन्वर्ट होना है, गैस में कन्वर्ट होना है. तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए हमें हीट और एनर्जी चाहिए. तो ये सरफेस से एनर्जी लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में हो जाएगी. तो जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी एनर्जी लेते हैं जिसके कारण वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर स्टेट में. इसलिए इवेपोरेशन होता है. तो इवेपोरेशन जो है उसके फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं. 4 फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड. तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा. ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा और विंड स्पीड भी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन होगा. इसको हम समझते हैं. देखिए हमेशा जो कपड़े हैं हम फैला के सुखाते हैं बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ेगा. चाय जो है वो सॉसर में अगर हम पीते हैं तो जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है. ठीक है, टेम्परेचर के कारण वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, विंड स्पीड के कारण भी. अब ह्यूमिडिटी देखिए, ह्यूमिडिटी मीन्स एटमोसफेयर में वाटर का अमाउंट. अगर वाटर का अमाउंट एटमॉस्फेयर में पहले से ही है तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. इवेपोरेशन क्यों कूलिंग इफेक्ट शो करता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. देखिए क्या होता है, ये सरफेस है, ये वाटर की वेपर है. वेपर जो है उसको गैस में कन्वर्ट होना है. वेपर जो है, ठीक है, वाटर को गैस में कन्वर्ट होना है. ये वाटर क्या करेगी, सराउंडिंग से हीट लेती है और वेपर में कन्वर्ट हो जाती है. जब सराउंडिंग से वो हीट लेती है तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है. टेम्परेचर कम होने के कारण उसमें कैसा इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है. तो व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं हीट लेते हैं सराउंडिंग से और इवेपोरेट हो जाते हैं जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट आता है. यही रीज़न है कि गर्मियों के टाइम में लोग छत पर अपने वाटर स्प्रिंकल करते हैं ताकि जो वाटर है वो सराउंडिंग से एनर्जी लेकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और कूलिंग इफेक्ट आता है. समर के टाइम पे हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं. क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो कॉटन है दैट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट
और स्वेट की जो एब्जॉर्ब होने के बाद इवेपरेट होता है और हमें कैसा लगता है, कूलिंग इफेक्ट लगता है। अर्थन पॉट में पानी ठंडा रहता है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ होल्स होते हैं जिसके कारण इवेपरेशन होता है और पानी ठंडा रहता है। जब आप एसीटोन अपनी पाम पे डालते हैं तो उसके बाद वो इवेपरेट हो जाता है सराउंडिंग से एनर्जी लेकर, और आपको कैसा इफेक्ट आता है? कूलिंग इफेक्ट आता है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।